गुरुदेव प्रणाम। आधुनिक मनोविज्ञान में एक नया शब्द प्रयुक्त होने लगा है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। क्या अध्यात्म में इसका उपयोग संभव है? साधना में डूबने के लिए, स्वयं में स्थित होने के लिए कृपया समझाएं। अवश्य संभव है और यह कोई नई बात नहीं है, केवल शब्द ही नया है। सदगुरु ओशो के प्रवचनों में आपने कई बार सुना होगा कि मुंह में 32 दांत हैं, कभी आप उनका ख्याल नहीं करते, शायद गिनती भी कभी ना की होगी कि कितने हैं। एक दांत टूट जाए तो फिर जीभ बारंबार वहीं वहीं जाती है, समथिंग इज मिसिंग, किसी चीज की कमी है। बार 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 दिन में कई बार ख्याल आता है कि दांत टूट गया, दांत टूट गया। जब तक वो था जीभ ने कभी फिक्र ना की थी, और अभी भी बाकी के 31 बच्चे हुए हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो नहीं है वहां पर बार बार ख्याल जाता है। इसी बात को आधुनिक मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। समझो आप एक बड़े कक्ष में पहुंचे, हजार छोटी छोटी टाइल्स लगी हुई हैं फ्लोर में, या समझो आर्टिफिशियल रूफ है उसमें हजार टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन एक मिसिंग है, वो जो खाली स्थान है वहां तुरंत आपकी दृष्टि जाएगी। इसको वो कह रहे हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। समझो एक बहुत बड़ी दीवाल है, 100 फुट बाई 100 फुट की लंबी चौड़ी दीवाल, सफेद रंग की पूरी, उसमें एक छोटा सा 4 इंच का काला धब्बा है। वहां आने वाले व्यक्ति से पूछेंगे, बताइए आपको यहां क्या दिखाई देता है? हर व्यक्ति कहेगा कि वो काला धब्बा। हद हो गई, 100 फुट बाई 100 फुट की दीवाल का कोई जिक्र नहीं करेगा, वो छोटा सा 4 इंच का धब्बा उसी पर नजर अटक जाएगी। बुद्ध के हिसाब से इसी का नाम है असम्यक दृष्टि। जिसका अभाव है उस पर हमारा ध्यान अटक जाता है। जो प्रेमिका आपको नहीं मिल पाई उसकी याद बनी रहेगी जिंदगी भर, जो मिल गई उसे हम भूल जाएंगे, जो नौकरी आपको चाहिए थी और नहीं मिली, इंटरव्यू में फेल हो गए वो सताएगी, जो नौकरी मिल गई, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसका मजा नहीं लेंगे, जो चूक गए। हमारी दृष्टि जिसका अभाव है उस पर जाती है। समझो एक आदमी गंजा है, छोटी उम्र में उसके सारे बाल झड़ गए, ये उसके अभाव है। अब वो किसी कमरे में पहुंचता, वहां 10 लोग बैठे हुए हैं, आप जानते हो उसको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? सारे लोगों की हेयर स्टाइल नजर आती है। जिस व्यक्ति के सामान्य बाल हैं उसका कभी ख्याल ही नहीं जाता, उसको क्या मतलब किसी के बालों से, कोई हेयर कटिंग सैलून वाला थोड़ी है वो। लेकिन जिसके पास बाल नहीं है उसको वही वही दिखाई देते, अरे इसके कितने सुंदर बाल, देखो इसके गुंगराले बाल, इसके काले बाल, इतनी उम्र हो गई अभी तक काले बाल हैं। ऐसा और किसी को दिखाई नहीं देगा, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। जिस चीज की कमी है उसी उसी पर नजर गड़ेगी। इसका परिणाम क्या होता है? हम शिकायत भाव से भरते हैं, हमें और कमी का एहसास होता है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका ठीक उल्टा, जिस व्यक्ति की दृष्टि उन चीजों पर जाती है जो मौजूद हैं, उसके भीतर से धन्यवाद भाव, अहोभाव उत्पन्न होता है। उसे लगता है मेरे पास कितना कुछ है, चलो सिर पे बाल नहीं दाढ़ी में तो बाल हैं, मुझे सही सलामत है, बहुत है। टांग टूट गई क्या हुआ, आंख तो नहीं फूटी ना अभी, माना दुर्घटना हुई टांग कट गई, काफी कुछ बच गया, जो बच गया उस पर नजर है तो आदमी सुखी होगा।
धन्यवाद भाव से भरेगा कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा, उस दुर्घटना में पैर ही कटा, कोई बात नहीं, पैर तो दूसरा भी लग सकता है, आर्टिफिशियल लिम्ब काम चल जाएगा, अच्छा हुआ और कोई सिर में चोट नहीं लगी, आंख बच गई, महत्वपूर्ण अंग बच गए, ये धन्यवाद भाव से भरेगा। जिस व्यक्ति की नजर उस कटे हुए पैर पे चली गई, समझो उसका एम्पुटेशन करना पड़ा ऑपरेशन के बाद, अब उसी का रोना रोता रहता है कि हाय मेरा एक पैर नहीं है, लंगड़ा हो गया, उसी की बात, ये आदमी शिकायत से भरेगा, हमेशा नाराज रहेगा, दुखी रहेगा, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ाएगा और भविष्य के प्रति आशंका से भर जाएगा, क्या पता फिर दुर्घटना ना हो जाए, जब एक बार हो गई दूसरी बार क्यों नहीं हो सकती, हो सकता है दूसरा पैर भी कट जाए, फिर तो व्हील चेयर पर ही आना पड़ेगा, और क्या पता अगली बार सिर में चोट लगे और सिर फट जाए, मर ही जाएंगे। अब वो डर रहा है, भयभीत हो रहा है, चिंताग्रस्त हो गया है। दोनों लोगों को घटना एक सी घटी है, एक पैर कट गया है, लेकिन एक का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो धन्यवाद भाव से भरा है कि प्रभु गजब किया तूने, जान बचा ली, एक पैर कट गया कोई बात नहीं। ये व्यक्ति शांत है, प्रसन्न है, ये पॉजिटिव दृष्टिकोण है। और जिसका कटे हुए पैर पर जिसकी नजर है वो अभावग्रस्त है, जिस चीज का अभाव है उस पर उसकी नजर अटकी है, ये व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, ये निगेटिव दृष्टिकोण है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक साधना में गति नहीं कर पाएगा। सद्गुरु ओशो ने एक जगह आस्तिक और नास्तिक की बड़ी अद्भुत परिभाषा की है, वो आपसे कहूं। आस्तिक शब्द बना है अस्तित्व से, अस्तित्व यानी दैट विच एग्जिस्ट, जो है, जो है उस पे जिसकी नजर है वो आस्तिक है, और ना अस्ति का मतलब है जो नहीं है, दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, अभाव पे जिसकी नजर है वो नास्तिक है। आस्तिक नास्तिक का ईश्वर को मानने ना मानने से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध जैसा अद्भुत आस्तिक नहीं हुआ, महावीर जैसा अनूठा आस्तिक नहीं हुआ, यद्यपि ईश्वर को वो नहीं मानते पर परम आनंद में जीते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि उस पर है जो है, दैट विच एग्जिस्ट्स। और नास्तिक चाहे वो मंदिर ही जाए, चाहे प्रार्थना ही करे, चाहे मस्जिदों में अजान लगाए और चाहे चर्चों में जाए व्याख्यान सुनने, अगर उसकी दृष्टि उन चीजों पर है जो नहीं है, अधिकांश धर्म स्थलों में जाने वाले लोगों की प्रार्थनाएं सुनो, वो हमेशा कुछ डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसका मतलब उनकी नजर हमेशा उन चीजों पर जो उपलब्ध नहीं है, ये लोग नास्तिक हैं। तो मिसिंग टाइल सिंड्रोम, आधुनिक मनोविज्ञान में यह शब्द प्रयोग में आ रहा है, इसको ठीक से समझना। बाहर के जगत में तो यह जरूरी है कि हमारा ख्याल उन चीजों पे जाए, क्योंकि हमें वहां सुधार कार्य करना होगा। अगर सड़क पे गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है होल में, इस पर नजर जानी चाहिए ताकि ढक्कन लगाया जा सके और सुरक्षा की जा सके, नहीं तो इसमें कोई गिरेगा। तो बाहर के जगत में यह जरूरी है। अब मुश्किल कहां खड़ी होती है, जब इसी दृष्टि को हम अपने ऊपर, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर लागू करते हैं, जहां की परिवर्तन संभव नहीं है। एक व्यक्ति के पास कम बुद्धि है, अब वो इसमें क्या कर सकता है, वो कोई जानबूझ कर ऐसा नहीं है, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया। अब हम उसी बात पर अटक जाते हैं, हम बार बार उसी बात को कुरे देंगे, उसी पर उसको प्रहार करेंगे, इशारा करेंगे, और हम खुद परेशान होंगे और उसको भी परेशान करेंगे। किसी की आवाज मीठी नहीं है, बेसुरा बेताल, अब वो ऐसा है,
दूसरे को भी स्वीकारना होगा जैसे वो हैं और स्वयं को भी स्वीकारना होगा। अब किसी का बेटा आज्ञाकारी नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है, है विद्रोही स्वभाव का, क्रांतिकारी, बगावती, प्रकृति ने ऐसा बनाया है। वहां अगर हम अभाव वाली चीजों को देखेंगे हम भी दुखी होंगे और उसको भी दुखी करेंगे। कोई पति है बेवफा, अब है तो है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है, अब इसका रोना मत रो, उसमें और 25 अच्छे गुण हैं, उनको देखो, एक छोटी सी बात के पीछे मत पड़ो। तब जीवन में सम्यक दृष्टि होगी, सुख और शांति होगी और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में लग सकेगा। तो मिसिंग टाइल सिंड्रोम का जो बाहरी रूप है, पदार्थों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, सामानों के बारे में, वहां तक तो वह उपयोगी है। आपके शर्ट की बटन टूट गई है तो इसका ख्याल करना ही होगा, बटन लगवानी होगी। लेकिन जहां तक जीवित व्यक्तियों का सवाल है, जगत की अनिवार्य घटनाओं का सवाल है, जब उनके साथ हम अभावग्रस्त हो जाते हैं वहां पर मुश्किल खड़ी हो जाती है। वहां हम अनावश्यक रूप से शिकायतों से भरते हैं और वहां कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसलिए अध्यात्म साधना में इस बात को समझना बहुत काम आएगा, क्योंकि अध्यात्म की साधना का आरंभ मन से होता है। यदि हमारा मन ही नेगेटिव एटीट्यूड वाला है तब हम उस दिशा में आगे बढ़ ही नहीं पाते। खूब पॉजिटिव बनो। तो विशेषकर जीवन के बारे में, प्रकृति के बारे में, स्वयं के बारे में, अन्य व्यक्तियों के बारे में, जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में बहुत सकारात्मक बनो। छोटी मोटी बातें जहां तुम कुछ सुधार और हेर फेर कर सकते हो वहां पे ठीक है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम वहां जरूर सुधारना, लेकिन हर चीज को ऐसा नहीं किया जा सकता। अब आप इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई 10 साल से शादीशुदा होंगे, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कि आपने पति या पत्नी को आप सुधार पाए? वो सूरज को दक्षिण से उगाने जैसा काम है, और ये महान कार्य छोड़ दो। तब अपनी जीवन ऊर्जा अंतर्मुखी हो सकेगी, नहीं तो हम दूसरे में ही अटके रहेंगे। फिर अपने भीतर कब जाओगे? जिंदगी चुकी जा रही है, समय बहुत कम है और ऊर्जा और समझ भी कम है। तो मिसिंग टाइल सिंड्रोम वाली बात को समझना, खूब विधायक बनना, जो है उस पर नजर लाना, अपने में भी और अपने प्रियजनों के बीच भी, अस्तित्व में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं के संग भी वैसा ही करना, तो तुम शांत हो पाओगे, ध्यानस्थ हो पाओगे, समाधिस्थ हो पाओगे, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।